जयपुर में आशा कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक पर धरना दिया है। प्रदेश भर से इकट्ठा हुई आशा कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार के सामने अपनी मांगे रखी हैं। प्रदर्शनकारियों ने सेवा समाप्त की गई आशा सहयोगिनियों की बहाल करने और पूरा वेतन देने की मांग की है। आशा कार्यकर्ताओं ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। देखो, धरना प्रदर्शन तो ये आशा सहयोगिनियों का चल रहा है और पूरे राजस्थान में चल रहा है और पूरी राजस्थान की बहन यहाँ आ रही है, देख लो चारों तरफ पे वीडियो भी बना लो। और हमारी मांगे यह है सरकार माने स्थायी किया जाए और नितुन मजदूरी हमारी 18,000 होनी चाहिए। और एक मांग हमारी है कि जो भाणा पर मुकदमो लगे है, जो भाण नौकरी से उठाई है और हड़ताल का मान रही है, उनकी सैलरी भी कटी है, वह हमारी सैलरी मिलनी चाहिए, मुकदमो हमारा वापस किया जाए, नितुन मजदूरी 18,000 होनी चाहिए, स्थायी किया जाए। और एक्सीडेंट पर और कोई कोरोना काल में कोई बहन की कुछ भी हो जाता है तो उनने मुआवजा मिलना चाहिए 15 से 20 लाख के बीच।